फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल विद अस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाके सब्सक्राइब करते हैं ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिल सके। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा पिनटेक नेक डिजाइन मोती और लेस के साथ। तो इस तरह से मैंने फैब्रिक लिया है, आप कोई भी फैब्रिक इसमें यूज कर सकते हो। इसकी लंबाई मैंने ली है 32 इंच और चौड़ाई मैंने इसकी ली है 12 इंच। अब हम सबसे पहले इसमें पेपर फ्यूजिंग पेस्ट करेंगे ताकि जब हम इसमें पिनटेक्स डालें तो ये फिनिशिंग के साथ आए। तो इस तरह से मैंने पतली वाली पेपर फ्यूजिंग ली है कपड़े के बराबर। अब हम इसको कपड़े की उल्टी साइड पेस्ट करेंगे। तो ये मेरे कपड़े की उल्टी साइड है। अब हम इसको इस तरह रखते हुए इसमें आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने कपड़े की उल्टी साइड ही पेपर फ्यूजिंग पेस्ट कर लिया है और सीधी साइड हमने 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ किया है। आप अपने हिसाब से इसकी चौड़ाई ले सकते हो। तो इस तरह से मैंने इसमें 1-1 इंच की चौड़ाई ली है। अब हम इन लाइन्स को इस तरह पकड़ते हुए इसमें एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी लाइन्स में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसी तरह से दूसरी वाली लाइन को पकड़कर इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम सारी लाइन में पिनटेक्स डालते हुए इन लाइंस को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से सभी लाइन के ऊपर सिलाई लगाने के बाद हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। पहले हमारे कपड़े की लेंथ थी 32 इंच, पिनटेक्स डालने के बाद हमारे कपड़े की लेंथ हो गई है 20 इंच की। अब हम इसकी लेंथ लेंगे 16 इंच। आप अपने हिसाब से इसकी लेंथ ले सकते हो। तो 16 इंच लेंथ लेने के बाद अब हम इस कपड़े को इस तरह एक डायरेक्शन में करके इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं 16 इंच पर और इस तरह से एक डायरेक्शन में करते हुए इसके ऊपर आयरन कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को एक डायरेक्शन में करते हुए हमने इसके ऊपर आयरन कर लिया है और दोनों साइड से 1-1 इंच कपड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हमारे कपड़े की चौड़ाई हो गई 10 इंच। तो इस तरह से 10 इंच का मैंने मिड पॉइंट लिया है 5 इंच पर और इस तरह से दोनों साइड मैंने 1-1 इंच की लाइन ड्रॉ कर ली है। जिस डायरेक्शन में हमने आयरन की थी इस तरह से उसी डायरेक्शन में हम दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस डायरेक्शन में हमने आयरन की थी तो दोनों साइड हम इसी डायरेक्शन में सिलाई लगा लेंगे। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। पहली सिलाई हमने इस डायरेक्शन में लगाई थी, अब हम सेंटर की सिलाई इस डायरेक्शन में लगाएंगे।
इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब हम कपड़े के साइड में इस तरह की लेस लगाएंगे इस तरह से। तो चलिए तीनों साइड इसी तरह से लेस लगा लेते हैं। अब हम इस लेस को इस तरह इसके नीचे रखते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को नीचे से फोल्ड कर लेंगे और इसके ऊपर ये लेस लगा लेंगे। इस तरह से लेस को अंदर से लगाते हुए हमने तीनों साइड ये लेस लगा लिया है। अब हम इस डिजाइन को कुर्ती में अटैच करेंगे। तो ये मेरी कुर्ती की सीधी साइड है, इसका हमने मिड पॉइंट निकाल लिया है। अब हम इस डिजाइन को इस तरह इसके ऊपर रखते हुए हम तीनों साइड सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए पहले इसमें सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद हम इसमें नेक ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमने चारों तरफ पिन लगा के इसको सिक्योर कर लिया है। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से इस डिजाइन को हमने कुर्ती में अटैच कर लिया है। अब हम इसमें नेक अटैच करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें वोट नेक बनाया है, जिसकी चौड़ाई मैंने ली है 8 इंच और डीप मैंने इसका लिया है 4.5 इंच। अब हम इस नेक को कुर्ती के सेंटर में रखेंगे इस तरह से और बुकरम के साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो चलिए इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से इस नेक को हमने कुर्ती में अटैच कर लिया है।
अब हम यहाँ से हाफ इंच छोड़कर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम सिलाई से दूर इसमें कट लगा देंगे ताकि ये आसानी से फोल्ड हो जाए। तो इस तरह से साइड में कट लगाने के बाद अब हम इस नेक को इस तरह फोल्ड करते हुए इसमें आयरन कर लेंगे। इस तरह से, तो चलिए इसमें आयरन कर लेते हैं। तो इस तरह से नेक को फोल्ड करते हुए हमने इसमें अच्छे से आयरन कर लिया है। अब हम सेंटर में मोती लगाएंगे इस तरह के। इस तरह से, तो इसी तरह से हम पूरे सेंटर में ये मोती लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने पूरे सेंटर में ये मोती लगा के इसको कंप्लीट कर लिया है। आप भी इतने आसानी से ये नेक डिजाइन बना सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब।